अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपको चने चिकन बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही इजी रेसिपी है, आप इसको अपने घर में ट्राई करें। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए सफेद चने, जिनको मैंने ऑलरेडी पहले अच्छे तरीके से बॉईल किया हुआ है, आधा किलो। और आधा किलो चिकन चाहिए और प्याज चाहिए 3 अदद दरमियाने साइज का, छोटे साइज के 3 अदद टमाटर चाहिए, 4 से 5 अदद जो है वो ग्रीन मिर्च चाहिए, अदरक चाहिए, लहसुन चाहिए। इन सब चीजों की हम पेस्ट बना के इसमें शामिल करेंगे। नमक चाहिए, सुर्ख मिर्च चाहिए, जीरा चाहिए, हल्दी चाहिए और सुर्ख मिर्च जो कुटी हुई होती है वो चाहिए, और एक प्याली ऑयल चाहिए। सबसे पहले हम एक प्याली ऑयल जो लिया है वो डालेंगे इसमें। अब आधा किलो चिकन जो है वो हम इसमें शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह हम लोग भूनेंगे। चिकन को पहले ऑयल में फ्राई करने का बहुत ही अच्छा जो है वो मकसद ये है कि चिकन जो है वो टूटता नहीं है और इसकी लुक बहुत खूबसूरत आती है। जब तक चिकन हमारा फ्राई होता है हम लोग उस वक्त तक पेस्ट बना लेते हैं प्याज की। 3 से 4 मिनट तक चिकन फ्राई करने के बाद हम इसमें हल्दी जो है वो शामिल कर देंगे, इससे चिकन की स्मेल जो है वो खत्म हो जाती है। प्याजों की जो हमने पेस्ट बनाई है वो अब हम इसको ऐड कर देंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है, इसको अपने घर में ट्राई करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें। बहुत ही इजी रेसिपी है ये और बहुत मजे की है। 3 से 4 मिनट के लिए आप इस चिकन को प्याज की पेस्ट में अच्छी तरह फ्राई करें। अब इसमें हम शामिल करेंगे लहसुन, अदरक, टमाटर और ग्रीन मिर्च की पेस्ट जो हमने बना के रखी हुई थी। और अब हम 2 से 3 मिनट के लिए इसको इसमें फ्राई करेंगे चिकन को। हमने जो है वो चिकन को लहसुन, अदरक, टमाटर और ग्रीन मिर्च की पेस्ट में फ्राई किया है। अब हम इसमें जीरा डालेंगे और सुर्ख मिर्च जो कुटी हुई होती है वो ऐड करेंगे। वन टेबल स्पून नमक, आप हसबे जरूरत भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और 1 टेबल स्पून ही सुर्ख मिर्च। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, इसको अपने घर में ट्राई करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को पाक ट्यूब को सब्सक्राइब करें और अपनी राय से हमें आगाह करते रहें। चने चिकन की ग्रेवी की बहुत ही यमी यमी सी और मजे की जो लुक आ रही है आप देख रहे हैं। ऑलमोस्ट हमारा जो चिकन है वो गल चुका है, अब हम इसमें चने शामिल करेंगे। आधा किलो चने जो हमने पहले से बॉईल किए हुए, अच्छी तरह चनों को बॉईल कर लें, अब हम उनको चिकन में शामिल कर देंगे। बहुत ही मजे की रेसिपी है ये। दो से तीन मिनट तक इसको आप फ्राई कर लें, अब चनों को भी इसी ग्रेवी में।
2 से 3 मिनट ग्रेवी में भूनने के बाद हम इसमें एक प्याली जो है वो पानी की शामिल कर देंगे। इसको अच्छी तरह आप जो है वो मिक्स कर लें। आप इसको कवर करके रख दें। और चूल्हे की आंच जो है वो स्लो कर दें। हमारे चैनल को पाक ट्यूब को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट्स करें। 5 से 10 मिनट के बाद आप इसका ढक्कन उठाएं और आप देखेंगे कि आपके जबरदस्त से चिकन और चने जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। बहुत ही यमी सी इसकी लुक आ रही है। आप इसको अपने घर में ट्राई करें, बहुत ही इजी रेसिपी है। हमारे चैनल पाक ट्यूब को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और कमेंट्स करें और अपनी राय दें कि आपको हमारी रेसिपीज जो हैं वो कैसी लग रही हैं। बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ रही है इसकी। जस्ट लुक ही नहीं, इसकी बहुत जबरदस्त सारी, इस पर टेस्ट भी बहुत मजे का होगा। आप बना के इसको घर में ट्राई करें। ले जी, हमारे जबरदस्त से चने चिकन जो है वो रेडी हो चुके हैं। बहुत इजी रेसिपी है, अपने घर में बनाएं और इसको एंजॉय करें। ये बहुत ही इजी रेसिपी है। इसके साथ हमने रायता बनाया है, सैलेड है और इसको आप गरम गरम चपाती के साथ जो है एंजॉय करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट्स करें और अपनी राय से हमें आगाह करें। शुक्रिया।